ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर आप सहारा रिफंड के लिए जो आपका पैसा फंसा हुआ है, जो सरकार जो दे रही है रिफंड लेने के लिए पैसा, जो आपका पैसा जमा है वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप जब पंजीकरण के लिए आते होंगे इस रिफंड वाले पोर्टल पे सहारा का, तो आपको यहाँ पे जो आधार नंबर बोल रहा है अंतिम लास्ट डिजिट का, तो आप यहाँ पे डालते होंगे और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी डालते होंगे यहाँ पर, और OTP के लिए प्राप्त करते होंगे, तो आपके फ़ोन पर OTP नहीं जा रहा होगा, इस वजह से क्लिक करते होंगे तो आपको यहाँ बोल रहा है OTP डालने के लिए, तो आपके पास OTP नहीं जा रहा है। ठीक है, OTP नहीं जा रहा तो हमको बताने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका OTP आ जाएगा और आप इसमें पंजीकरण कर सकते हैं और जो ये फॉर्म है आप फिलअप करके जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा, जितना पैसा है आपको। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने फ़ोन का सेटिंग्स ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना फ़ोन का सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं। तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप मैनेजमेंट का। ठीक है, या हो सकता है कि आपके फ़ोन में सिर्फ ऐप नाम से हो सकता है कि ये सेटिंग्स आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नाम से सिर्फ ऐप मैनेजमेंट या ऐप के नाम से होगा, तो आप उसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपके फ़ोन में ये सेटिंग्स होगा ऐप मैनेजमेंट का, या सिर्फ आपके नाम से ऐप होगा आपके फ़ोन में नाम से, तो आप इसे ओपन कर लेंगे। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के साथ आपको पहले नंबर पर ऐप लिस्ट दिख जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो बहुत सारा ऐप लिस्ट खुल जाएगा, आपको अपने फ़ोन का जो मैसेज है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसे अपना मैसेज को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैसेज को ऑन कर लेते हैं। आप भी आपको मैसेज वाले सेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है परमिशन वाले पे, तो परमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के साथ देखिए आपको ये जो है सभी अलाउ होना चाहिए, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, SMS, स्टोरेज। ठीक है, अगर ये आपका कोई भी अलाउ नहीं है तो आप पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे जो SMS है नोट अलाउड, इस तरह का इंटरफेस होगा, या कोई भी इस तरह का इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे अलाउ कर देंगे। ठीक है, अलाउ जैसे ही कर देंगे तो ये आपका अलाउड वाले में सेक्शन में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसे सब को अलाउ करने के बाद आप फिर से जो आपका जो जमा करता पंजीकरण है यहाँ पे आएंगे, आपके फ़ोन पे OTP आ जाएगा, आप यहाँ पे OTP डाल लेंगे। ठीक है, अगर देखिए इससे भी नहीं आ रहा है आपका OTP, तो आपको क्या करना है कि आपका जो आधार कार्ड है, मतलब उस जिसमें मोबाइल नंबर लिंक था, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक कराना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे कि आपका OTP आ जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर चेक करा लें आधार से लिंक है या नहीं है, तो उसके बाद पहले आप अपना आधार से लिंक करा लें मोबाइल नंबर, उसके बाद ये काम करें तो आपका हो जाएगा।